भोपाल से बड़ी खबर, आयुष मेडिकल ऑफिसर्स का धरना प्रदर्शन है। एसटीएलएस और लैब टेक्नीशियन का धरना प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के घर के बाहर धरना। जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। पिछले 9 महीने से नियुक्तियां अटकी हुई हैं। प्रदेश भर में 1300 पदों पर की जानी है नियुक्ति। तो एसटीएलएस और लैब टेक्नीशियन का धरना प्रदर्शन है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के घर के बाहर ये धरना दिया जा रहा है, नियुक्ति को लेकर ये धरना प्रदर्शन। पिछले 9 महीने से नियुक्तियां अटकी हुई हैं। प्रदेश भर में 1300 पदों पर भर्तियां की जानी हैं। आकांक्षा शर्मा जुड़ चुकी है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। आकांक्षा, क्या चाहते हैं आयुष मेडिकल ऑफिसर्स? देखिए बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी ये आयुष मेडिकल ऑफिसर, एसटीएलएस और लैब टेक्नीशियन, इन लोगों ने इससे पहले भी धरना दिया था। इनकी मांग इतनी सी है कि हम लोग टेस्ट देके पास कर चुके हैं, साथ ही साथ जो नियुक्तियों के लिए जितनी भी जरूरी प्रक्रिया रहती है वो सब प्रक्रियाओं से हम गुजर चुके हैं, बस एक ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है जो विभाग ज्वाइनिंग लेटर नहीं निकाल रहा। अभी तो 10 महीने हो चुके हैं इन लोगों को अपनी मांग को सरकार के सामने रखते हुए। ये लोग लगातार ज्वाइनिंग लेटर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सब तरीके से सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फिर सरकार ज्वाइनिंग देने में इतनी देरी क्यों लगा रही है। इससे पहले भी ये लोग स्वास्थ्य मंत्री के पास जा चुके हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास अपनी मांगों को लेकर जा चुके हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन मेडिकल ऑफिसर्स के सही जितने भी ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको अभी तक नहीं मिला है। आज ये लोग सभी जितने भी लोग हैं पूरे मध्य प्रदेश में बात करें तो 1300 से ज्यादा इस नियुक्तियों के संबंध में लोग यहाँ पे आए थे, जिसको लेकर प्रभुराम चौधरी के बंगले के बाहर ये लोग पहुंचे। लेकिन चूंकि मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद ही एनएचएलएम के जो डायरेक्टर हैं उनके पास अब जाएंगे ताकि कहीं ना कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। और साफ कहना है बच्चों का कि अगर जब तक ज्वाइनिंग लेटर इनके हाथ में नहीं दिया जाएगा तब तक ये लोग भोपाल यानी राजधानी छोड़कर अपने अपने घरों में नहीं जाने वाले। इस प्रदर्शन से क्या कोरोना की लड़ाई में कोई फर्क पड़ेगा आकांक्षा? बिल्कुल देखिए ज्योति, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बेशक ये लोग डॉक्टर्स हैं, बेशक ये लोग मेडिकल विभाग से संबंध रखते हैं, लेकिन जब कोई धरना प्रदर्शन की बात होती है तो वहां पर सारी कोविड की जो गाइडलाइंस होती है उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि ये लोग मेडिकल डिपार्टमेंट से थे तो उन्होंने बेशक मास्क लगा रखे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसकी कहीं ना कहीं धज्जियां जरूर उड़ती है, क्योंकि जब हम प्रदर्शन की बात करते हैं तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं दिखती है। तो ये बात जरूर है कि इस तरीके के प्रदर्शन से कोविड का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। और राजधानी की जो स्थिति है वो हम सभी जानते हैं, आज फिर 329 पॉजिटिव पेशेंट्स राजधानी में मिले हैं। ऐसे में पुलिस का भी साफ कहना है कि इस तरीके के अगर आयोजन होते हैं तो उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, और कोरोना जो है इस तरीके के आयोजनों से कहीं ज्यादा उसके जो बढ़ने के संक्रमण बढ़ने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा तमाम जानकारी के लिए।